तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का हुआ निधन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन से देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री समेत अनेक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को साल 2024 तक जारी रखने को मिली मंजूरी। बुंदेलखंड में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को भी दी गई मंजूरी। चार से 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। एक माह तक काशी विश्वनाथ धाम में होगा कई कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी समेत बुधवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए 11 सैन्य अधिकारियों और जवानों समेत सभी 13 लोगों के शव आज शाम तक दिल्ली लाए जा रहे हैं, जहां उनके पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ के लिए रखे जाएंगे और शुक्रवार को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अधिकारी जवानों की मौत हो गई। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत। नीलगिरी जिले के कुन्नूर में हुई दुर्घटना। जनरल बिपिन रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी हुई मौत। MI-17V5 हेलीकॉप्टर में कोयम्बटूर के नजदीक स्थित सुलूर वायुसेना के स्टेशन से भरी थी उड़ान। हेलीकॉप्टर MI-17V5 ने सुलूर वायुसेना स्टेशन से सुबह तकरीबन 11:50 पर उड़ान भरी थी। ये नीलगिरी जिले में स्थित वेलिंगटन रक्षा अकादमी जा रहा था। इसमें चार चालक दल के सदस्य और सीडीएस के स्टाफ सहित कुल 14 लोग मौजूद थे। दोपहर 12:22 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और ये वेलिंगटन रक्षा अकादमी से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले कुन्नूर के जंगल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। वायुसेना ने इस दुखद घटना की सूचना शाम 6:03 पर एक ट्वीट के जरिए दी। वायुसेना ने बताया, बहुत ही खेद है कि जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब यह क्रैश हुआ तब वहां काफी कोहरा था और एक तेज आवाज के साथ उन्हें आग का गोला दिखाई दिया। घटना स्थल पर जख्मी हालत में कई घायल लोग दिखाई दिए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं वायुसेना ने जानकारी दी कि हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज वेलिंगटन सेना अस्पताल में जारी है। इसके अलावा दुर्घटना स्थल से बरामद शवों को वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी DNA जांच द्वारा पहचान की जाएगी। इस बीच वायुसेना ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दुर्घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक IAF MI-17V5 हेलीकॉप्टर जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे, वो तमिलनाडु के कुन्नूर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। शाम को जैसे ही जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 जांबाज सैन्य अधिकारी जवानों की मौत की पुष्टि हुई, वैसे ही शोक संदेशों की जैसे बाढ़ आ गई। पूरा देश जैसे स्तब्ध हो गया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अचानक मौत पर पूरा देश स्तब्ध हो गया। शाम 6 बजे जैसे ही एयरफोर्स ने मौत की पुष्टि की, वैसे ही पूरे देश में मायूसी सी छा गई।
दुर्घटना के बाद लोग शाम तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद जनरल बिपिन रावत जख्मी होंगे, उनका इलाज चल रहा होगा, लेकिन मौत की खबर ने एक गम की चादर फैला दी। सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूँ। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी चार दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की। जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में CDS के घर गए और उनके परिवार से मिले, गहरा दुख जताया और लिखा कि तमिलनाडु में आज एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में मारे गए सभी लोगों के लिए दुख व्यक्त किया। उन्होंने विशेष तौर पर जनरल बिपिन रावत के लिए लिखा कि राष्ट्र के लिए ये एक बड़ा ही दुखद दिन है। हमने अपने CDS जनरल बिपिन रावत जी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में खो दिया है। वे एक वीर सैनिक थे जिन्होंने पूरे लगन के साथ मातृभूमि की सेवा की। उनके योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। मैं बेहद दुखी हूँ। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को लेकर बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे थे। वे थिएटर कमान के गठन को मूर्त रूप देने में लगे हुए थे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS बिपिन रावत की मृत्यु पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के पहले CDS बिपिन रावत के निधन से दुखी हूं। उन्होंने वीरता के साथ देश की सेवा और भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम किया। उनकी अनुकरणीय सेवा को देश कभी नहीं भूलेगा। ओम शांति। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को साल 2024 तक जारी रखने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कुल 2,95,00,000 पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1,65,00,000 मकान बनाए जा चुके हैं। वहीं कैबिनेट ने केन बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी है। में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर कुल 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। योजना पर कुल खर्च का 90% केंद्र सरकार वहन करेगा, वहीं ये 8 साल में बन सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय परियोजना होगी और इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। ये प्रोजेक्ट 8 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 10,62,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी और लगभग 62,00,000 जनसंख्या के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को साल 2024 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए अतिरिक्त 2,17,257 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत अब तक 1,65,00,000 आवास बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। मार्च 2021 तक 1,97,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय हुआ है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 1,44,162 करोड़ रुपए खर्च किया और इसके अतिरिक्त आज जो मंजूरी दी गई है ताकि शेष बचे पक्के मकान जो बनकर लोगों को तैयार करके दिए जा सकें, इसके लिए 2,17,257 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है ताकि 2024 तक जो शेष परिवार हैं उनको भी पक्का मकान बनाकर दिए जा सके। इसमें से केंद्र सरकार का कुल खर्च 1,43,782 करोड़ रुपए होगा और इसमें से नाबार्ड को लोन के लिए
जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए भी 18,676 करोड़ रूपए इसमें शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई दोनों योजनाएं ग्रामीण भारत के विकास के लिए काफी अहम है। एक ओर जहां केन बेतवा लिंक योजना से बुंदेलखंड का समुचित विकास हो पाएगा, वहीं आवास योजना की बदौलत जरूरतमंद लोगों को आसानी से छत मुहैया हो पाएगी। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण 13 दिसंबर को करेंगे। इस दौरान भाजपा इस कार्यक्रम को देश भर में पहुंचाने के लिए बड़े इंतजाम कर रही है। इसके तहत 51,000 जगहों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। काशी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान भोलेनाथ और मां गंगा से विशेष नाता रहा है। सांसद बनने के बाद से ही पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है। काशी विश्व की सबसे पुरानी नगरी है। काशी में भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है और उसके आसपास के क्षेत्र का कई वर्षों से पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कराया था, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा 13 दिसंबर को होगा। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से काशी में होगा। योजना बनाई है कि ये भव्य कार्यक्रम सिर्फ काशी तक ही सीमित न रहे, ये गांव-गांव तक पहुंचे। इसके तहत देश के 51,000 स्थानों पर ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। वो जन जन के मन मन में रहने वाले शिव का वो कार्यक्रम गांव गांव तक पहुंच सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने एक योजना बनाई है। उस योजना के तहत देश के 51,000 स्थानों पर वो कार्यक्रम सीधा लाइव दिखाया जाएगा। 13 दिसंबर की शाम को वाराणसी में ही भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन होगा, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर को दर्शन के बाद सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काशी से वापस लौटेंगे। 17 दिसंबर को काशी में ही देश भर के महापौरों का सम्मेलन होगा। इसके अलावा 23 दिसंबर को देश के अलग अलग प्रांतों से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करने वाले वैज्ञानिक, किसान, नई खेती करने वालों का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उस दिन काशी में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों नौजवान एकत्र होंगे। 13 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक काशी में रोज एक उत्सव होगा। महीने भर चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 18 दिसंबर को कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। सभास्थल का निरीक्षण कर उन्होंने बरेली मंडल और अन्य जनपदों से आए अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 600 किलोमीटर लंबा और 36,000 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक कई जनपदों को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी भी बनेगी, जिसमें जगह जगह इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी। आगामी 18 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम, यह अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। लगभग 600 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे, जिसे बढ़ाकर के 8 लेन का किया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच यह एक्सप्रेसवे
बनाने की कार्रवाई हम लोगों ने यहाँ पर इसकी पूरी योजना बना ली है। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसमें से हम लोग 96% लैंड ले चुके हैं। इसमें 7,386 हेक्टेयर लैंड 518 ग्राम पंचायतों से इसमें ली गई है और इस पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इस कार्य को प्रारंभ कराने की दृष्टि से ही प्रधानमंत्री मोदी जी का शाहजहांपुर में आगमन होगा। बहराइच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मटेरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विकास योजनाओं में सभी को शामिल किया है और मोदी योगी की सरकारों ने बिना भेदभाव किए समाज के सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि महिलाएं और बेटियों को शिक्षा देने से लेकर शादी और सुरक्षा तक में प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया है। ये उसी का नतीजा है कि आज बहराइच की बेटियां किसी भी समय अपने घरों से बाहर बेखौफ होकर निकल सकती हैं। आप क्या चाहते हैं अखिलेश जी? जिन्ना का नाम लेकर क्या हिंदू और मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं? जिन्ना इस राष्ट्र का भक्त होगा जो पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम करवाकर टेरों से भेजने वाला अखिलेश जी, क्या जिन्ना यहाँ का राष्ट्रभक्त हो सकता है? आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान से लड़े, मुसलमान हिंदू से लड़े? नहीं, ये मोदी योगी का शासन है। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अब गरीबी से लड़ेंगे मित्रों, और गरीब का कल तो आदमी मोदी जी योगी जी करेंगे। शौचालय देने का कोई काम करेगा तो आदमी मोदी योगी जी करेंगे। आयुष्मान का कार्ड भी देगा तो आदमी मोदी जी, शिक्षा फ्री देंगे तो आदमी मोदी जी, उस बेटी का शादी भी करवाएंगे तो आदमी मुख्यमंत्री योजना के अनुसार कोई गोद लेगा तो मंत्री और अधिकारी गण लेंगे उसे बेटे। राष्ट्र को गौरवशाली बनाने का काम करेगा कोई तो आप करेंगे, आपको मटेरा के लोग करेंगे मित्रों। और एक ईमानदार नेता, आपके एक मत से ईमानदार नेता जन्म लेगा और एक एक ईमानदार नेता गरीबों को भला करेगा। जालौन में ओमिक्रॉन वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन युक्त बेडों की व्यवस्था की गई है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी न हो इसके लिए जिले में स्थापित 4 ऑक्सीजन प्लांटों को क्रियाशील किया गया है। साथ ही साथ शेल्टर होम में बेडों की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि लोगों को मास्क का प्रयोग करने और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा बाहर से आए व्यक्तियों की निगरानी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एनडी शर्मा ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस से निपटने के लिए जिले के अस्पतालों में 600 बेड की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो उसमें जागरूकता की बचाव सबसे प्रमुख मंत्र ये है। सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, और यदि वैक्सीनेशन किसी ने नहीं करवाया है, हमारे जनपद में जो फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन है वो लगभग अभी 72% है और सेकेंड डोज का जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो लगभग 35% है। तो हम लोगों से यह गुजारिश कर रहे हैं कि जिनको भी अभी फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है वो अपना जाके तुरंत वैक्सीनेशन करवाएं, और जिन लोगों की सेकेंड डोज ड्यू है वो भी अपनी सेकेंड डोज करवाकर पूर्ण रूप से अपने आप को प्रतिरक्षित करें। इसके अतिरिक्त फोकस्ड सैंपलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी पूरी निगरानी की जा रही है। निगरानी समितियों को सक्रिय किया जा रहा है ताकि कोई भी बाहर से आए उसका पता चलने पर वहाँ तुरंत सैंपलिंग कराई जा सके, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराई जा सके। तीसरी लहर या ओमिक्रॉन के बारे में शासन और सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए थे उसकी राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो राज्य सरकार के माध्यम से 2 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट जो कि PSA टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं उनकी स्थापना हो चुकी है, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति में राजकीय मेडिकल कॉलेज ये आत्मनिर्भर है।
बरेली जिले के 826 गांव 100% वैक्सीनेशन करा चुके हैं। यहां लोगों ने समझदारी का परिचय देते हुए सभी ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। अब यहां तय समय पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। जिले में 31 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, जिसमें 27 लाख लोगों की पहली डोज दी जा चुकी है। शहरी इलाकों की तुलना में गांव में शुरू से ही वैक्सीनेशन तेज गति से हुआ। बरेली में जो लक्षित संख्या है 31,92,201 के सापेक्ष हमने 27,51,505 लोगों को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, जो कि टोटल उसका देखा जाए तो 86.17% है। और जितने लोगों को फर्स्ट डोज लगाई उसके सापेक्ष हमने 13,50,065 लोगों को सेकेंड डोज लगाई है, जो कि 47.43% है। हाँ सर, मैंने वैक्सीनेशन लगवा लिया। जैसे ही कोविड-19 की जानकारी गवर्नमेंट के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा दी गई, वैसे ही हम लोगों ने तत्काल उसका लाभ भी लिया और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी वैक्सीनेशन कराया है। फर्स्ट डोज हम ले चुके हैं और दूसरा कि जैसा कि समय आने पर दूसरी डोज लेंगे। और हम एक दूसरे को जागरूक भी कर रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को इसका प्रयोग इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने कोविड-19 की पहली वैक्सीन ले ली है और दूसरी समय आने पर लूंगी। इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और दूसरों को भी प्रेरित करूंगी इसके लिए। हमारे यहाँ ये सेंटर है, यहाँ पे वैक्सीन लगी मेरे दूसरी 84 दिन के बाद लगी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं। बुंदेलखंड के महोबा जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में पाइपलाइन के जरिए वाटर सप्लाई का काम शुरू हो गया है। हर घर नल योजना के तहत जिले के 263 ग्राम पंचायतों में पानी की सप्लाई के लिए मेन लाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जिले के लहचूरा, काशीपुर, उर्वरा, मिर्तला, सुपा सहित कई ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूर्ण कर लिया गया है। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा गांव में वाटर सप्लाई शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो घर घर पानी पहुंच रहा है। हमारे यहाँ ड्राई एरिया था, सब कुएं सूखे पड़े थे और इसलिए सरकार से ये बहुत बड़ी सुविधा हम लोगों को मिली है। पहले हालात ये थे कि हमें पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, 1 किलोमीटर दूर से। अब ये हालात है कि हमारे घर घर पानी आ रहा है। मुझे खुशी है मोदी जी, योगी जी पर गर्व है, सरकार पर, कि हमारे घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। मैं सरकार को, मोदी योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले गाँव में पानी की बड़ी समस्या थी, लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता था कुओं से, किंतु अब सरकार की तरफ से जो जल जीवन योजना के तहत जो पानी की व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है और उत्तम व्यवस्था है। अब प्रतिदिन पानी आ रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज सुल्तानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर कार्यकर्त्रियों को किट का वितरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों समेत 10 महाविद्यालयों के प्रबंधकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कटरा जुगपुर में 7,69,00,000 रूपये से नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण भी किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यदि समाज में उत्कर्ष, सुख, समृद्धि व शांति चाहिए तो हर व्यक्ति को कमाने का अवसर भी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि सबको सरकारी नौकरी ही मिले, सबके पास कोई न कोई हुनर होता है जिसके माध्यम से वो अपना भरण पोषण करता है। राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्त्री ही संस्कार देती हैं। केंद्रों को दी गई किट बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन बनेगी। कई लोगों को अलग अलग प्रकार की किट सहाय दी गई। यदि समाज में उत्कर्ष चाहिए, सुख समृद्धि या शांति चाहिए तो हर एक व्यक्ति को कमाने का अवसर, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सबको सरकार की नौकरी मिले। कई लोगों के पास अपना हुनर होता है और एक हुनर की वजह से अपना रोजगार करता है, कमाता है,
और परिवार का पालन पोषण करता है। बच्चों को पढ़ाना हो, बेटी बेटियों का विवाह करना हो, घर में कुछ साधन खरीदना हो, यदि इनकम बढ़ती है तो धीरे धीरे करके इसके पास कई नए प्रकार की चीजें आती हैं। तो और इसी वजह से समय समय पे लाभार्थियों को लाभ मिले इसके लिए चौपाल लगाई पड़ती है और आप लगाते भी हो और गांव में जाकर सर्वे वगैरह करवाते हैं और सर्वे के हिसाब से जो लाभार्थी है उसको लाभ प्राप्त होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुरादाबाद में 29 नवंबर से चल रही खादी ग्रामोद्योग की खादी महोत्सव प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग के उप कार्यपालक अधिकारी राजीव त्यागी ने बताया कि प्रदर्शनी में खादी वस्त्रों की खरीदारी की तरफ जनसमूह का बेहद उत्साह नजर आया। समापन समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यंगकार एवं कवि डॉ आलोक सक्सेना ने काव्य पाठ बेटियां होती हैं उड़ जाने के लिए ने समा बांधा। और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि यह काशी का ही नहीं देश का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस लोकार्पण कार्यक्रम को पूरे देशवासी मंदिरों में ऑनलाइन लाइव देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 दिसंबर को दो दिनों के अपने काशी प्रवास के दौरान विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। यहाँ के प्रबंधों का हम इसके साथ जुड़ रहे हैं ताकि विश्व की सबसे प्राचीन धरोहर काशी भगवान शिव की धरती उसके पुनर्निर्माण के जो कार्य हैं यहाँ पर जो धाम पूरा बना है वो अद्भुत है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। पूरे देश से अलग अलग प्रांतों से संत महात्मा मठाधीश शंकराचार्य उस दिन यहाँ आने वाले हैं तो प्रधानमंत्री जी उनके सामने इस धाम परिसर को जनता को समर्पित करने वाले हैं। उस कार्यक्रम को हमारी यहाँ के लोकल भारतीय जनता पार्टी की सारी टोली लगी है, सरकार लगी है, बढ़िया हो। तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का हुआ निधन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन से देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री समेत अनेक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को साल 2024 तक जारी रखने को मिली मंजूरी। बुंदेलखंड में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को भी दी गई मंजूरी। आज 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। एक माह तक काशी विश्वनाथ धाम में होगा कई कार्यक्रमों का आयोजन।